उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की पस्त हालत को लेकर जनता बेसब्र हो रही है। एटा में एक युवक को पुलिस चौकी में अवैध ढंग से हिरासत में रखकर पिटाई करने के मामले में जबरदस्ती पकड़ लिया है। भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर उसमें आग लगा दी। बहन की आग के निशोध युवक लिप्टन पुलिस चौकी पर मीठे गुस्से की कहानी बयां कर रही है। एटा में पुलिस वालों के हाथों एक शख्स की पिटाई के बाद गाँव वालों का गुस्सा कुछ दूर पड़ता है। पुलिस चौकी को गुस्सा भी लिप्टन पुलिस चौकी पर जमकर बवाल मचाया, तोड़फोड़ की और फिर चौकी को आग के हवाले कर दिया। खबरों के मुताबिक डेरा के गोपालपुर गांव में सास बहू के झगड़े में पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुकेश नाम के शख्स को थाने ले आई और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मुकेश की थाने में पिटाई की खबर गोपालपुर में आपकी तरह फैल गई। इसके बाद लिप्टन पुलिस चौकी के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और हंगामा शुरू हो गया। भीड़ ने मौके पर मौजूद दो मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। लेकिन से भी जब भीड़ का गुस्सा कम नहीं हुआ तो लोगों ने सड़क से गुजरते वाहनों पर पथराव शुरू कर दिया। लिप्टन पुलिस चौकी पर हमले की खबर जैसे ही जिले के आला अफसरों तक पहुंची, फौरन आसपास के थानों से बड़े पैमाने पर फोर्स को मौके पर पहुंचने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन पुलिस वालों की मौजूदगी भी भीड़ पर कोई असर नहीं डाल सकी। इसके बाद मौके पर लाठीचार्ज किया गया। बेटा के गोपालपुर में इस वक्त हालात बेहद ही तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। मौके पर 10 थानों की पुलिस को पीएसी के एक टुकड़ी और 3 CO तैनात कर दिए गए हैं।